होया मजबूर ने जिदों दा तेथों दूर ने बस ना चले। अज शाम 84 दे उस्ताद तसद्दुक अली खान दी बरसी है। उस्ताद तसद्दुक अली खान ने 1964 विच रेडियो पाकिस्तान तो बतौरे प्रोड्यूसर अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया सी। 1965 ते 1971 दियां जंगां विच उन्होंने मुख्तलिफ गुलकारा कोलों जंगी तरह ने गवाए जिहड़े कि अज भी लोगों के दिलों के विच धड़कते ने। उस्ताद तसद्दुक अली खान प्रोडक्शन तो अड रेडियो पाकिस्तान लई बतौरे गुलकार ते मौसीकार कई गाणियां दी रिकॉर्डिंग भी कराते रहे। उस्ताद तसद्दुक अली खान ने रेडियो पाकिस्तान विच बहुत ना कमाया। उन्हां दे बेटे सादत अली खान ने FM 95 पंजाब रंग नाल उन्हां दी बरसी उत्ते खसूसी गलबात कीती। उस्ताद तसद्दुक अली खान म्यूजिक दी दुनिया दे कहो या ना है जड़ा किसी तारीफ दा मुताज नहीं है। ओ 10 अप्रैल 1939 शाम 84 जड़ा ईस्ट पंजाब च उत्थे पैदा होए सन ते उस्ताद नज़ाकत अली खान उस्ताद सलामत अली खान दे छोटे भाई सन। उन्हां दे छोटे ओ दो होर भाई ने उस्ताद अख्तर अली खान उस्ताद जाकर अली खान। ये सारे बेटे ने उस्ताद वलायत अली खान दे। ते जिस तरह तुसीं जानते हो कि शाम 84 घराना पूरी दुनिया च पापूलर है, पूरी दुनिया उस घराने नूं जानदी है। उस्ताद सलामत अली खान उस्ताद नज़ाकत अली खान दे हवाले नाल पूरी दुनिया जानदी है उन्हां नूं। तो मेरे वालिद साहब ने भी अपने गाने दा जो सिंगिंग दा स्टार्ट सी ना वो अपने वालिद साहब को ही सिखिया सी शुरू च छोटी उम्र च। फिर जो पाकिस्तान हिंदुस्तान ते पाकिस्तान बन गया तो वो पाकिस्तान आ गए सारे तो उन्होंने अपने दोनों भरावों तो उस्ताद सलामत अली खान तो उस्ताद नज़ाकत अली खान को गाने का फैज़ हासिल किया। तो वक्त गुजरता गया मुल्तान च उन्होंने हिंदुस्तान तो आने के बाद शिफ्टिंग की सी उत्थे उन्होंने रिहायश तैयार की सी। तो 1958 च उन्होंने ना पहली दफ़ा क्लासिकल सिंगर के तौर पर रेडियो मुल्तान तो अपने कैरियर का आगाज़ किया। पढ़ने का भी शौक से उन्होंने प्लेयर भी सन तो ग्रैजुएशन उन्होंने की। ग्रैजुएशन करने के बाद उन्होंने रेडियो पाकिस्तान अप्लाई किया तो उत्थे उन्हों की मुलाजमत हो गई 1964 च। एक दौर से जोड़ा पाकिस्तानी तरीक का सुनहरी दौर कहलाता है। तो रेडियो पाकिस्तान के नाल नाल जोड़ा वो दौर से ना 1965 की जंग आ गई। तो 1965 की जंग च उन्होंने बहुत सारे तराने मुख्तलिफ आर्टसान के जरिए रिकॉर्ड भी किए। तुसी यूं समझो कि मैडम नूरजहान नसीम बेगम उस्ताद अमानत अली खान उस्ताद सलामत अली खान उस्ताद नज़ाकत अली खान शौकत अली मुनीर हुसैन मसूद राणा इन्हों ने उन्होंने रिकॉर्ड किया 1965 की जंग के दौरान के क्योंकि इन्हों के जोड़े गीत पॉपुलर सन। पुत्र हट्टा च नहीं विकते तो कोई लभ दी फिरे बाजार कुड़े मैडम नूरजहान का बड़ा हिट उस वेले का जंगी तराना सी जो मेरे वालिद साहब ने रिकॉर्ड किया 1965 की जंग के। 1965 की जंग के बाद उन्होंने फिर अपना एक कैरियर रेडियो स्टार्ट किया एज ए प्रोड्यूसर। सारी दुनिया को पता है उस वेले बड़े बड़े वड्डे आर्टिस्ट आते सन रेडियो क्योंकि रेडियो ही एक दस्तगाह सी उस वेले कि जिस तो बंदा सीखता सी कोई ना कोई कम एक्टिंग होवे गाना होवे यानी कि बड़े बड़े उस्तादां दी जगह सी। तो 1968 च ना मेरे वालिद साहब ने एज ए म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक डायरेक्टर तौर पर ना तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सोणगे कंपोज किया। तो यह उन्होंने गुलाम अली तो अफशां को गवाया जो अफशां नवी नवी सी उस वेले तो गुलाम अली का भी हले नाम स्टार्ट ही हुंदा पिया सी। तो वह गाना अल्लाह की तरफों इन्ना हिट होया कि वह गाना दोनों की आर्टसां की छाप बन गया उन्होंने नाल नाल तुर लपया। जिथे जिथे गुलाम अली साहब जाते सन उत्थे उत्थे तांगा वाले नैन भी हुंदा सी क्योंकि उहदे बगैर गुजारा नहीं सी। फिर उन्होंने ऐसे साल के ना एक और गाना कंपोज किया गोरिया मैं जाना परदेस वो परवेज मेहंदी ते रेशमा ने गाया। उस गाने ने तो पूरी दुनिया जी तुमा मचा दियाँ। अच्छा ये एक कहानी की जो थोड़ी जी मैं तुम्हें बयान करना गोरिया मैं जाना परदेस मेरे वालिद साहब की एक इमेजिनेशन है कि वह सोचते सन कि मैं अगर बाहर जावगा तो मेरी
जो बेगम होएगी, जो मेरे ना प्यार करने वाली होएगी, वो मेरा इंतजार करेगी थी, वह की कहेगी तो मैं उनकी कहांगा। ये उन्होंने अपनी इमेजिनेशन सी। अच्छा कुदरती तौर पर क्या यहोजे काम भी हो गया, परवेज मेहंदी ने बाहर जाना सी ते वह गाना रिकॉर्ड हो गया, तो वो फौरन बाद परवेज मेहंदी बाहर चला गया तो उत्थे जाके फरमाइशें हो गई, गाना हिट हो गया सी। तो वह गाना जो उन्होंने पेश करना शुरू कर दिता तो फिर रेशमा दी, क्योंकि वो पार्टनर से रेशमा वो गोरिया मैजन परदेसी, तो वालिद साहब ने अल्टरनेट वह एकदम दूसरा वर्जन बनाता, जा वे परदेसी आ वे देरा गानू लाइया, यानी कि रेशमा ने ही रिकॉर्ड किया गाना। गोरिया मैजन परदेस दे बाद परवेज मेहंदी बाहर चले गए तो उन्होंने नाल ही गाना बहुत पॉपुलर हो गया से लोगों को पसंद आना शुरू किया। वालिद साहब ने क्रिएटिविटी देखो, उन्होंने एक नवी सोच सोची, फिर वो अल्टरनेट गाना सोचा जा वे परदेसी आ वे देरा गानू लाइया, तो वह गाना भी बड़ा पॉपुलर होया, बहुत गाने ने हिट पूरी दुनिया च अपना नाम पैदा किया, हिंदुस्तान खास तौर पर इस पंजाब लोग अज भी इन्हू बड़ा प्यार करते हैं। दलेर मेहंदी, हंसराज हंस, गुरदास मान, दूसरे जिन्हें भी पंजाबी सिंगर ने वह इस गाने इस म्यूजिक बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि वो दलेर मेहंदी कहता भी है ना कि मैं गाना सुन सुन के जवान होया, तांगा वाले नैन जावे परदेसी आ, गोरिया मैं जाना परदेस, साडा दिल तोड़ के वे भी तू भी पछतावेगा। ये वो गाने ने कि जिन्होंने एक पंजाब दी लाहौर दे रेडियो दी साख बनाती। उस्ताद तसद्दक अली साहब ने इन्नी कमाल कंपोजिशन की जो कि ता उम्र तक जो तक पंजाबी जिंदे ने और पंजाबी गजलां या पंजाबी गाने सुने जाएंगे सुरीले ये रहिंदी दुनिया तक गाने रहने वाले ने। जावे परदेसिया वे तेरा कानू लाया मैं रुल गईया मैं होया मजबूर नी जदों दा तेथों दूर नी बस ना चले याद आउण तेरिया। इन्नी कमाल छोटी छोटी जगह इन्ने सोहने सोहने कंपोजिशन दे इन्ने सोहने से राह, मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ कि रब ने मैनू इन्ना सोहना गाना सुनाया। सिद्दक साहब मेरे दोस्त भी थे, हालांकि वो मेरे तो वड्डे सन लेकिन दोस्त भी सन, ते कम उन्हां दा है जे कि प्राइवेट उन्हां दी तरजां बड़ियां चलियां, मतलब मशहूर मशहूर गाने उन्होंने मतलब पंजाबी हैं, तांगा वाले नैन कदों सुख नाल सुन गए, मेरी पंजाबी अफसर नाल रोक डाडे ला गया प्यार चंद माही का अजे तक चलती पई, अजी बहुत ही तरजा उन्हों दिया और फिल्म इंडस्ट्री नालों भी मशहूर हुई हैं। वो एज ए म्यूजिक डायरेक्टर बहुत बड़े आदमी थे, कंपोजर बहुत अच्छा जेन था उनका, और वो गजल भी पंजाबी भी हर सिर्फ दी अच्छी बनाते सन, अल्लाह ने उन्होंने बड़ा अच्छा फ्रेश जेन दिता सी जी। मैं एक बड़ा मशहूर वाक्य है कि असं दोनों कट्ठे कुवैत गए सा, तो कुवैत अपना उस साढ़े नाल अताउल्लाह साहब भी सन, सरिया खान भी सी, तो सुल्तान खोसट ने प्रोग्राम बनाया थे इरफान खोसट ने, तो वो फिर असी भी नारे गोए, तो फिर असी दोनों कट्ठे गाते भी रहे हैं क्लासिकल, तो सिद्दक साहब तो मैं फिर अताउल्लाह गाया, असी फिर उन्होंने को सिद्दक साहब ने कहा कि सानू तुसी असी कुछ नहीं लेंदे, एक सानू महीना दे दिओ, सानू महीने का वीज़ा लै दे, उन्होंने वीज़ा लैता, फिर असी महीना उत्थे रहे और फंक्शन किया, बड़िया यादा ने, फिर असी दोवां ने मिल के क्लासिकल गाउणा, फिर उत्थे उन्हां दी पंजाबियां गाणियां मैं, ते ओह बड़ा यादगार है ए, ओ लम्हा एक एक लम्हा उन्हां दा मैनूं याद है, और एज ए इंसान बहुत वड्डे बंदे सन, ते कंपोजर भी बहुत वड्डे सन, जिन्नी भी उन्हां दी तारीफ कर ली उन्नी थोड़ी। अच्छा मैं एक तुहानूं एक होर गल दसदा चलां कि पलाग दे विच भी मेरे वालिद साहब दे नाल एक शाम रखी गई सी,
डॉक्टर सुगरान सदब साहिबा ने। तो मेरा ख्याल है कि 2006-07 या 2008 के दरम्यान ची सी, तो बड़ी अच्छी शाम हुई सी। उस्ताद तसद्दुक अली खान के नाम एक शाम, वो उदा टाइटल सी, तो वो बड़ी खूबसूरत शाम सी। तो वो बड़ी मेरे वालिद साहब ने भी परफॉर्म किया, असी दोनों भरावों ने भी परफॉर्म किया, तो बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट ने भी परफॉर्म किया। तो मैं इस हवाले ना डॉक्टर साहिबा का शुक्रिया अदा करना कि उन्होंने याद रख्या, हूँ भी याद रख्या मेरे वालिद साहब, उन्होंने तो बड़ी मेहरबानी कि 23 दिसंबर उन्होंने याद रख्या, क्योंकि 23 दिसंबर तो मैडम नूरजान का भी दिन ही है, क्योंकि उन्होंने वफात का दिन भी है, तो वड्डे लोगों का वड्डा दिन हुंदा है। तो मेरे वालिद साहब का डैथ एनिवर्सरी भी उस दिन आ गई। ये कुदरत काम ने, अल्लाह के काम ने, अल्लाह ही बेहतर जानता है इस गल। रोग डडी लगया प्यार चल महीना, रोग डडी लगया प्यार चल महीना, सानू भी ते दुख होया तेरी जुदाई दा, रोग डडे लगया प्यार चल महीना। Kya raha hai maa